मैं चाहता हूं आप मेरे साथ खोलें उत्पत्ति की किताब, इसे इंग्लिश में हम कहते हैं जेनेसिस। और अगर आप उर्दू पढ़ते हैं मेरी तरह तो आप खोल सकते हैं पैदाइश की किताब। थैंक यू। और प्लीज मेरे साथ खोलें उत्पत्ति की किताब और उसका 17वां अध्याय चैप्टर 17। प्लीज ओपन विथ मी द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 17, उत्पत्ति उसका 17वां अध्याय। क्या आपको मेरी आवाज पीछे तक आ रही है? ओके, थैंक यू ब्रदर। मैं आपके लिए एक वर्ड पढ़ रहा हूं। आई जस्ट कोट अ सिंगल स्क्रिप्चर 17 का एक से। जब इब्राहिम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें, वचनों को समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा क्लू देता हूं। कभी भी आप वचन पढ़ते हैं ना, तो उससे पहले एक अध्याय पढ़िए कि क्या हुआ था, तब आपको पढ़ी हुई बात अधिक समझ में आएगी। बाइबल में जब, कब, किंतु, परंतु, तो, ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दिन मैं पढ़ रहा था कि दुष्ट आत्मा यीशु को कह रही थी, हे परमेश्वर के पुत्र, तू समय से पहले क्यों हमें दुख देने के लिए आया है। मैंने I was thinking कि ऐसा क्यों कहा उन्होंने। और एक दिन तक मैं सोचता रहा। अगले दिन मुझे प्रभु ने कहा, तू जानना चाहता है दुष्ट आत्माओं ने उसे ऐसा क्यों कहा था? क्यों? जा पीछे चला जा। और जब मैंने पीछे पढ़ा तो मैंने देखा यीशु ने तूफान को शांत किया था, तब चेलों ने कहा था, ये कौन है जो तूफान और आंधियां की बात मानती हैं? दुष्ट आत्मा ने बताया ये परमेश्वर का बेटा है। अगर बाइबल को कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा जाए तो बाइबल खुल जाती है। लेकिन आज आप जानते होंगे हमारे पास एक ऐसी जनरेशन है जो बाइबल को बीच बीच में से पढ़ते हैं, यू नो लाइक दिस, प्रभु बात कर। एक भाई को सुसाइड करना था, प्रभु से कहता है, प्रभु मैं एक पेज खोलने वाला हूं, जो सामने लिखा हुआ आया मैं वो मान लूंगा, तुझे जो करना है आप कर मेरे साथ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। उसने एक वचन खोला और उसकी नजर एक वचन पर गई जिस पर लिखा था, जो करना है जल्दी कर। बाप रे, गेला, सॉरी गया। तो क्या प्रभु बात कर रहा है? एक बहन ने बोला, प्रभु मैं तुझसे विनती करती हूं, मुझसे बात कर, मैं खोल रही हूं बाइबल बीच में से। सीधा उसने खोला और लिखा था, तू 5 पति कर चुकी है, 6वां भी तेरा नहीं है। तो क्या उसके लिए है? बाइबल को बीच बीच में से पढ़ना बंद कर दो। आपकी बाइबल में रिबन होती है, वो रिबन उन बुद्धिमान लोगों ने हम मूर्खों के लिए इसलिए डाली है ताकि हम वहीं से बाइबल पढ़ें जहां पे हमने छोड़ी थी। लेकिन हम कई बार बीच बीच में से जो चाहिए वो पढ़ लेते हैं। मैंने अपने लाइफ में कभी बाइबल को बीच बीच में से नहीं पढ़ा। आई ऑलवेज लाइन टू लाइन। इवन मैं मैसेज ट्रांसलेशन पढ़ता हूं जिसमें नंबर्स ही नहीं है। बाइबल जब बांटी गई थी चैप्टर्स में, मैसेज ट्रांसलेशन में नंबर्स ही नहीं है, जस्ट चैप्टर है आपको 47, 48, 49, कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं जानना चाहता हूं एक्चुअली हार्मनी क्या है, हुआ क्या था। आज मैं बताना चाहता हूं परमेश्वर पिता इब्राहिम की जिंदगी में प्रकट होता है और उसे एक बात कहता है। वो कहता है, मेरे साथ चल, वॉक बिफोर मी एंड बी अ ब्लेमलेस पर्सन, तू सिद्ध होता जा। इसको ले जाइए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं,
क्यों परमेश्वर को इब्राहिम को यह कहना पड़ा, हे इब्राहिम मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। जानते हो परमेश्वर इब्राहिम को यह बात क्यों कहता है? क्योंकि इब्राहिम अपने जिंदगी में ऐसी गलतियां कर रहा था जो लॉन्ग टर्म्स, एक लंबे समय तक उसकी जिंदगी में इफेक्ट्स लेके आ रही थी। वो ऐसी ऐसी गलतियां कर चुका था आप सोच नहीं सकते। मैंने इस किताब की बारीकी को समझा है, मैंने अपनी पूरा जीवन इस किताब को समझने में लगाया है। परमेश्वर जानते हैं। जब मैं पढ़ रहा था इसको, मैंने प्रभु से कहा, प्रभु आप इब्राहिम को क्यों कहते हो? हे इब्राहिम 99 वाले एक बूढ़े व्यक्ति के जिंदगी में आप आके कहते हो वॉक बिफोर मी, अब मेरे साथ चल और सिद्ध होता जा। जानते हो सिद्ध का मतलब क्या होता है? सिद्ध का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति अब जिससे गलतियां भी नहीं होती। वो इतनी गलतियां कर चुका था अपने जिंदगी में। आप भी देखिए आपकी जिंदगी में ऐसी बहुत सारी गलतियां हैं जिसकी वजह से आज तक आप में से कुछ लोग सफर करते हैं। एक रॉन्ग पार्टनर से मैरिज करना, हाउस लोन लेना जबकि आपकी जॉब भी हमेशा की नहीं है। कई बार आप देखिए अब अपने घर के अंदर टेम्पटेशन में आपके दूसरों के घरों को देख के आप अपने घर बनाते हो, कर्जे लेके आज तक कर्जा चुकाते हो आप लोग। मैंने कई बार देखा है लोग ऐसे ऐसे शब्द बोल के आते हैं किसके घर में जाके, और उन्हीं घरों से फोन आते हैं फिर, क्या आपने हमारे लिए ऐसे बात की, अब हमें रिश्ता नहीं रखना। क्या आपने ये बात देखी है? आज तक हमारी जो भी कंडीशन है वो हमारे छोटे छोटे डिसीजंस की वजह से है। मैं कई लोगों की लाइफ में देखता हूं, दे आर नॉट हैप्पी, दे आर नॉट जॉयफुल, वे आनंद और शांति और खुशी से भरे हुए नहीं रहते। मैं प्रभु से कई बार बोलता हूं, प्रभु ऐसा क्यों है? दे डिड मिस्टेक्स, इन्होंने गलतियां की हैं। मैं नहीं कहता जब तक हम जिंदा हैं हमसे गलतियां नहीं होंगी, लेकिन अगर आपने आज का वचन समझ लिया तो मैं आपसे गारंटी कहता हूं कम होंगी, बहुत कम होंगी। आप बुद्धिमान हो जाएंगे, आप पूर्ण हो जाएंगे। कला में पाप कहता है, मेरी बाइबल बताती है, इब्राहिम 75 वर्ष के थे जब तेजो में परमेश्वर ने उनको दर्शन दिया, और बाइबल बताती है परमेश्वर उसके पास कुछ आज्ञाएं और प्रतिज्ञाएं लेकर आया। प्रभु से कहता है अपना कुटुंब छोड़, अपने बाप का घर छोड़ और उस जगह पे चला जा जो जगह मैं तुझे दिखाऊंगा। बाइबल बताती है इब्राहिम ने छोड़ा और परमेश्वर ने उसे कुछ वायदे किए कि मैं तेरे नाम को प्रसिद्ध करूंगा, मैं तुझे बच्चे दूंगा, मैं तुझे लैंड्स दूंगा। आप पढ़ सकते हैं, आई विल मेक योर नेम फेमस ओ इब्राहिम, मेरी अंग्रेजी बाइबल बताती है। और इब्राहिम बाइबल बताती है परमेश्वर के कहे अनुसार वो वहां से चला। कभी आपने यह सवाल पूछा है, प्रभु अब आशीष वहां भी दे सकते थे, क्यों आपने उसे अब उसके कुटुंब से अलग किया? क्या कारण था? क्यों यीशु ने कहा जब तक कोई मुझसे अपने मां बाप भाई बहन से बढ़कर प्रेम न करे वो मेरा चेला नहीं बन सकता? आप जानते हैं इमोशनल अटैचमेंट इज लाइक अ पॉइजन। आजकल बहुत सारे जो लोग हैं ना वो बहुत अटैचमेंट में है मोबाइल से, परिवार से। सी देयर इज अ डिफरेंट बिटवीन लव एंड अटैचमेंट, प्रेम और लगाव में अंतर है। मैं प्रेम करता हूं पर इस दुनिया में एक व्यक्ति नहीं है जिससे मैं अटैचमेंट में हूं कि अगर उसका कॉल ना आए, उसका मैसेज ना आए, वो मुझसे हेलो ना करे तो मेरा मूड ऑफ हो जाएगा। नेवर, मुझे इस हेल में नहीं रहना। या थैंक यू अगर आप मुझसे पूछ रहे हो, नहीं भी पूछते हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। यू नो अटैचमेंट क्या होती है? आपको तकलीफ होती है, आप चाहते हो मुझ पे ध्यान दिया जाए। जैसे बच्चे को देखिए, अगर आप उसको देखो कि वो रो रहा है और ध्यान से देखो और रोएगा, क्योंकि हमारे नेचर में ये बात है हम अटेंशन गेन करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम पे ध्यान दिया जाए। परमेश्वर जानता था इब्राहिम जहां है
वहां रह के वो कुछ नहीं कर पाएगा। फिर भी देखिए अब्राहम एक गलती कर बैठा, परमेश्वर ने मात्र उसे बुलाया, वो लूत को लेके निकला। और बाइबल बताती है ये उसकी पहली गलती थी। मेरे पीछे कहिए, उद्धार सबके लिए है। अब ऐसे कीजिए, अपने छाती पे रखिए और कहिए, बुलाहट सिर्फ मेरे लिए। परमेश्वर ने हर एक को उद्धार के लिए बुलाया है, वो हर एक का उद्धार करना चाहता है। लेकिन जब वो आपको सेवा के लिए बुलाएगा तो आपको किसी के साथ नहीं, वो इंडिविजुअली आपको बुलाएगा। इसीलिए यीशु ने देखा अपनी उस काना के विवाह में, उसने क्या कहा, हे महिला, आप भाई लोग अपनी मां को महिला बोल के दिखाओ। आप घर पे और बोलो, महिला एक रोटी दे, वो बोलेगी इधर आ पुरुष। यू नो कितने सारे लोग हैं आज भी, दे नो जीसस क्राइस्ट इज ट्रुथ। मेरे टाउन में कितने लोग हैं जो मानते हैं कि यीशु खुदा है, जानते हो, नहीं आ पाते हैं फिर भी चर्च। रीजन, समाज का डर है, लोग क्या कहेंगे, क्रिश्चियन बन गए हो, धर्म परिवर्तन कर दिया है तुमने, तुम्हें पैसे मिले हैं। बहुत सारे लोग मैं आपको दिखा सकता हूं, दे नो द ट्रुथ, वे सच्चाई को जानते हैं। मैंने एक व्यक्ति को गॉस्पल बताया तो उन्होंने गॉस्पल सुनने के बाद मुझे पूछा, भैया आपका चर्च कहां है? मैंने कहा आरके तलरेजा कॉलेज के पास में। कहीं और नहीं है? मैंने बोला क्यों? वो जो बिल्डिंग है ना आपकी, उसके बिल्कुल पास में मेरे जीजाजी रहते हैं, मैं आऊंगा तो मुझे देख लेंगे। उन लोगों की चिंता करते हैं हम लोग जो बीमार होने पे हमें एक एनासन गोली देने भी नहीं आती, उनकी परवाह करते हैं। अरे मैं घमंड से कहता हूं, यीशु मेरा प्रभु है, मुझे घमंड है इस बात, मैं एक मसीह हूं, मुझे इस बात पे घमंड है। आई बूस्ट, मैं आनंद करता हूं इस बात में कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है। वो मेरे लिए नहीं लज्जाया, मैं क्यों लज्जाऊं? यू नो कितनी शर्म की बात होती है, जरा सोचो, एक यंग लड़का लकड़ी पे अंडरवियर में लटक रहा था, क्या वो शर्माया मेरे लिए जो मैं शर्माऊं? एक दिन मैं बाइबल पन्नी में पैक करके अंदर लेके आ रहा था, किसी ने मुझे बोला क्या है हाथ में? मैंने कहा कुछ नहीं है। मुझे पता था भाषण मिलेगा मुझे, फिर तो मैंने झूठ बोला, बोला कुछ भी नहीं है। उस दिन मुझे प्रभु ने एक बात कही, तूने मेरा इनकार किया है। मैंने कहा प्रभु ये आखिरी बार है, मुझे माफ करिए। अगले रविवार मैंने बाइबल ऐसे हाथ में पकड़ी और उस बंदे के मैं सामने गया। उन्होंने बोला क्या है कि ये सब क्या है, क्या लेके जा रहा है? मैंने बोला ये बाइबल है और आज रविवार है, मैं अपने परमेश्वर को आदर देने जा रहा हूं। कभी ना डरे लोगों से, कई अपने पास वाले से, समाज से ना डरे। यस, डरे वो जो गलत करे, जो सही है। यीशु ने कहा जिसके काम धर्म के हैं वह ज्योति के निकट आता है, लेकिन जो अंधकार में है वो डरता है ज्योति से। The God says to Abraham, खुदावन इब्राहम से कहते हैं अपना घर छोड़। लेकिन इब्राहम गलती कर बैठा, इब्राहम लूत को साथ में ले चला। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरा आज सबसे पहले आपसे एक सवाल है, आपसे एक सवाल है, क्या आप इन दिनों में किसी से अटैचमेंट में हो? मोबाइल, कोई रिश्ता, प्रॉपर्टी, पैसे, थिंक अबाउट दिस, सोचिए इस बारे में। हमने एक जगह पे मीटिंग रखी मेरे टाउन में, एक बहन ने कहा हमारे घर पे रखो, हमारा घर नया नया है, हमारे घर पे प्रार्थना भी हो जाएगी। तब वहां पर एक बच्चा आया था, उसके हाथ में स्केच कलर्स थे, उसने उनकी दीवारों पे बहुत कुछ लिख दिया।
अपनी पेंटिंग बना दी। वो बहन इतना डिस्टर्ब हो गई, मुझे जाते जाते बोलती है, ब्रदर ये आखिरी सबाती, मैं इसके बाद नहीं करवाऊंगी। मैंने बोला क्यों? देखो ये बच्चों ने क्या कर दिया। इन दीज डेज पीपल आर वर्शिपिंग देयर वॉल्स। इन दिनों में लोग अपनी दीवारों की पूजा कर रहे हैं, आपको पता है, पैसों की पूजा कर रहे हैं, रिश्तों की पूजा कर रहे हैं। आप बिलीव कर सकते हैं आजकल चर्च के अंदर भी बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की रिलेशनशिप्स हैं? हाउ शेमफुल। कहां पढ़ा आपने बाइबल में ये सब? कहां पढ़ा आप? मुझे भी बताइए कि प्रभु ने कहा है तू एक रख सकता है। शैतान ने कुछ लोगों को ऐसे कन्विंस कर दिया है। मेरे कलीसा के अंदर एक लड़के के बारे में मुझे पता चला कि वो लड़कियों से बात करता है, चैट करता है। मैंने उस दिन उससे पूछा, कुछ दिन पहले, मतलब कुछ साल पहले मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ये क्या है, हम मसीह लोग हैं ना, कहां लिखा है बाइबल के अंदर कि हम गर्लफ्रेंड रख सकते हैं, बॉयफ्रेंड रख सकते हैं? उसने मुझे बोला 10 से नहीं एक ही से बात करता हूं मैं। आप बिलीव कर सकते हैं क्रिस्टस गर्लफ्रेंड रखते हैं? और जो पास्टर ये चीजें अलाउ करता है, मैं आपको कहना चाहता हूं वो पास्टर नहीं है, वो एक बैकस्लाइडर है जो परमेश्वर की हुजूरी खो चुका है। या ट्रू? मेरे जवान भाइयों बहनों, हमेशा याद रखना, इब्रानियों की किताब में लिखा है उस पवित्रता के खोजी बनो जिसके बगैर प्रभु को कोई कदापि न देखेगा, कभी नहीं देख पाएगा। ये सारे रिश्ते कभी खुदा की तरफ से नहीं होते। डोंट कॉल दिस अ फ्रेंडशिप, इट्स अ फोनिकेशन। ये न कहें ये एक अच्छा रिश्ता है, ये एक व्यभिचार है। और ट्रस्ट मी, जब तक इसे नहीं छोड़ोगे परमेश्वर तुम्हें शांति नहीं देने वाला, क्योंकि कलाम पाक कहता है दुष्टों के लिए कोई शांति नहीं है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, बड़े संभल के रहिए इन दिनों में, बड़े खतरनाक दिन चालू हैं। हैव यू नोटिस्ड? क्या आपने एक बात चेक की? अब मास्क सब जगहों पे नहीं पूछ रहे हैं। मैं मुंबई में रहता हूं, जितना बॉम्बे डैमेज हुआ कोई नहीं हुआ था, मैंने अपने घर का व्यक्ति खोया है। 35 बार मैंने आरटीपीसीआर करवाई है, मेरे पास रिकॉर्ड है। लेकिन अब मैं एक महीने से आरटीपीसीआर नहीं करवा रहा हूं, क्योंकि कोई नहीं पूछ रहा मुझे एयरपोर्ट पे, आरटीपीसीआर दिखाओ, यू आर अ नेगेटिव और अ पॉजिटिव। अब मैं देख रहा हूं सारी दुकानें सुबह से लेकर रात तक खुली हैं, लोग अपनी जिंदगियों में वापस बहाल हो रहे हैं। क्या आपने इस बात को चेक किया? जब उसके चेलों ने उससे पूछा तू जब आएगा तो क्या होगा, उसने क्या कहा? लोग खाएंगे, पिएंगे, शादी करेंगे, पौधे लगाएंगे। मैं प्रभु को कह रहा था, प्रभु ये कौन से चिन्ह है आपके? बचपन से लोग खाते पीते हैं, शादियां होती हैं, घर बनाते हैं। यस, सब नॉर्मल हो जाए, समझ जाना मैं आ रहा हूं। Have you noticed? अब सब सामान्य हो रहा है। उल्टा जब तक यूक्रेन और रशिया का वॉर चालू था, ये सब था, मैं बिलीव नहीं करता था प्रभु का आना निकट है, क्योंकि मुझे पता था उसने साफ कहा था, जब सब कहेंगे कुशल है, शांति है, सब ठीक है, तब अचानक विनाश आ पड़ेगा। उल्टा जब सामान्य हो ना तो बड़ा खतरनाक है। संभलिए। और कला में पाक कहता है इब्राहिम लूत को लेकर निकला, ये उसकी पहली गलती थी, अटैचमेंट। और जब वो वहां पर निकलता है, आप सभी जानते हैं लूत से अलग होने के बाद वो एक प्लेस पे आके रहता है जिसे हम आज इज़राइल कहते हैं, पर उन दिनों में कनान कहा जाता था। जब वो वहां पर रहता है, परमेश्वर उसे कहता है अपनी आंखों को उठा के देख, जहां तक देख सकता है देख,
ये जगह तेरे और तेरे वंश की होगी. एंड यू नो द बाइबल सेज, खुदा का कलाम कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, जब इब्राहिम ने उस जगह को देख लिया तब वो वहीं रहने लग गया. लेकिन अब वहां पर एक गलती हो गई इब्राहिम से. प्रभु का वचन कहता है वहां पर अकाल आया, अकाल में खेत खाना देना बंद कर देता है, जमीन जो है वो अपना फसल नहीं दे पाती क्योंकि बारिश नहीं है, पानी नहीं है. इब्राहिम जहां रह रहे थे वहां पर जमीन सूखने लगी, और बिल्कुल इब्राहिम के पास में एक देश था मिस्र, और इब्राहिम ने सोचा मैं वहां चला जाता हूं. वहां पर जाके इब्राहिम को एक अजीब बात पता चली. इब्राहिम को पता चला कि यहां का जो बादशाह है, यहां पर जो किंग है, वो खूबसूरत औरतों को अपने लिए रख देता है और उनके पतियों के कत्ल करवा देता है. और जब ये बात इब्राहिम को पता चलती है कि यहां पर जो भी खूबसूरत औरतें हैं वो उसके दरबार में पहुंचाई जाती हैं, उन्हें किडनैप करके लेके जाते हैं और उनके पतियों का कत्ल किया जाता है, और ये बात वो कहता है इसीलिए थी क्योंकि वहां पर परमेश्वर का भय नहीं था. मुझे भय को अधिक ये वर्ड पसंद है, वहां खुदा का खौफ नहीं था. उर्दू खौफ कहती है. यू नो, जब उसे पता चला, अब देखिए इब्राहिम अपनी पत्नी को क्या कहता है, लिसन सैरा, देखो मस्के देखो कैसे मार रहा है, तू तो बड़ी खूबसूरत है, कभी नहीं कहा था उसने, अब कह रहा है. बोलो बाजू वाले को बटरिंग करना बंद करो. हाँ, यू नो बहुत लोग बटरिंग करते हैं, बटरिंग समझते हैं, बटरिंग करना मक्खन. मुझे लगता है जो मक्खन लगाए ना मेरा काम कर दे, कुछ कर दे, मेरे को जॉब दिला दे. मुझे लगता है जो बटर लगाते हैं ना उनको पूर्ण विश्वास है प्रभु मेरे साथ नहीं है. क्या विश्वास है? पूर्ण विश्वास है. बोलो पूर्ण विश्वास है. और किस बात पे विश्वास है? प्रभु मेरे साथ नहीं है इसलिए मुझे करना पड़ेगा. मैंने अपनी लाइफ में कभी किसको बटरिंग नहीं की, नेवर. यू नो इब्राहिम सारा को क्या कहता है, सुन अगर ये लोग तुझे पकड़ लेना एक काम कर लेना, क्या उनको बोलना मैं तेरा भाई हूं. पति क्या बोल रहा है, बोलने का मैं भाई हूं. सारा बोलती है ठीक है बोल दूंगी. और ऐसा ही हुआ, सारा को पकड़ लिया गया, राजा की दरबार में लाया गया, उसे कहा गया तू तो बहुत खूबसूरत है. हाँ वो कौन है बूढ़ा, वो मेरा भाई है. और जिस रात अभिमेलेक सारा को छू रहा था, खुदा उसे कहता है सुन उसे मत छू, वो एक प्रॉफिट की वाइफ है, वो एक नबी की पत्नी है. नबी झूठ बोल रहा है, परमेश्वर नबी कहता है, नबी झूठ बोल रहा है. ये क्या है भाई, प्रभु आप नहीं देख रहे हो आपका नबी टीचिंग दे रहा है झूठ बोलने के ऊपर, पर आप कहते हो ये आपका दास है, ये कैसा है? देखिए परमेश्वर कितना दयालु है. हम इब्राहिम का प्रेजेंट देख रहे थे, परमेश्वर ये देख रहा था इब्राहिम एक दिन क्या बनेगा. मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, यहां देखिए सब, आई वॉन्ट टू टेल यू, यीशु मसीह के नाम से अपनी कमजोरियों को मत देखो, ये देखो कि एक दिन तुम क्या बनोगे. मैं आपको कहना चाहता हूं आने वाले दिनों में आप प्रभु के याजक हो, आप धर्मी हो, आप यीशु के लहू से खरीदे गए हो, आप उसकी संतान हो. परमेश्वर का नजरिया हमसे बहुत अलग है, ही इज वेरी डिफरेंट. बाइबल का सबसे डिप्रेस व्यक्ति गिदोन है, और प्रभु उसके पास आके कहता है हे शूरवीर सोरमा, ओ माइटी वॉरियर. वो भी सोचता होगा किससे बात कर रहा है तू, तेरे से? मैं डरपोक व्यक्ति, खाना भी छुपा के रखता हूं लेके न जाए लोग. प्रभु ये क्या है, आप किनसे, इनकी पर्सनालिटी देखो, इनका कैरेक्टर देखो, क्या बात कर रहे हो? क्या परमेश्वर है ना, हारे हुए लोगों पे दाव लगाता है. व्हाट अ गॉड वी हैव, क्या परमेश्वर है हमारा. वो देखता है ये लोग निर्बल है, हमें बलवान कहता है. वो जानता है हम मूर्ख है, हमें बुद्धिमान कहता है. मैं आप में से पूछना चाहता हूं
कितने लोग हैं लोगों में गंदगी होने के बाद भी कुछ अच्छी बातें देख पाते, मुझे इसके साथ नहीं रहना, मुझे इसके साथ दोस्ती नहीं करनी, मुझे ये चर्च नहीं जानी, अभी निकल तू। कुछ लोगों को सब जगह प्रॉब्लम होती है, सब जगह, चर्च का पादरी खराब है, चर्च के लोग खराब हैं, मेरी सांस खराब है। आप लोग के यहां पर सांस को क्या कहते हैं इंग्लिश में? हाँ, हमारे यहां मर्डर इन लॉ बोलते हैं, हत्या करने आई है, बोलते मर्डर इन लॉ है ये, ऐसे से नाम रखे हैं लोगों ने। डीएल मूडी के पास एक व्यक्ति गए और जाके कहते हैं, हमें कोई सिद्ध कलीसिया बताओ जहां हम जाएं। डीएल मूडी ने कहा, एक है लेकिन तू मत जाना, क्यों? जिस दिन तू पैर रखेगा वो कलीसिया असिद्ध हो जाएगी। मैंने कहा वेरी ट्रू। लोग असिद्ध होके लोगों में परफेक्शन ढूंढ रहे हैं। आज हमारा प्रभु सिद्ध था, हमारा प्रभु जितना 5 साल में पवित्र था उतना ही 30 साल में भी था। कभी आपने देखा, यीशु के जाने के बाद अनुग्रह आया था, मरियम और यूसुफ पर भी अनुग्रह नहीं था। वो भी झगड़ते होंगे, लड़ाई करते होंगे, शाउट करके बात करते होंगे, और वो बच्चा बचपन से पवित्र और अंत तक पवित्र। क्या आपने ये खूबसूरत बात देखी? एक सिद्ध व्यक्ति असिद्ध लोगों के अधीन था। मेरे डैडी नहीं समझते, मेरी मम्मी नहीं समझती, अंकल नहीं समझते, आंटी नहीं समझते, नहीं समझते ना, कोई बात नहीं, आप समझो। क्यों आज जवानों को ऐसा लगता है कि हमारे मां बाप हमारी फ्रीडम छीन रहे हैं? अरे काश मैंने अपने पेरेंट्स की बात सुनी होती, मेरे पास चश्मा नहीं होता आज, इतनी टीवी देखता था मैं। मेरी मम्मी हमेशा के बोलती थी, बस कर, लेट हो गया, 4-4, 5-5 बजे तक मैं टीवी देखता था। अगर मैंने उनकी बात, वो मैं आपको सच कहता हूं, कुछ बच्चे आज अपने मां बाप की डांट को इतना गलत वे से लेते हैं। उनको थोड़ा उनकी प्राइवेसी को टच करो, उनको बोलो 12 बजे के बाद फोन यूज नहीं करना, ऐसे देखेंगे जैसे मानो हमने उनकी किडनियां मांग ली। यस, करेक्शन से प्यार ही नहीं है। अगर हमने बाइबल की चेतावनियों पर ध्यान दिया होता ना, तो आज हमारी जिंदगी कहीं और होती। पर हमें सिर्फ वचन चाहिए, यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, इकलौता दे दिया। खाली देने वाले वचन हम सबको याद है। मेरे कलीसिया में छोटा सा बच्चा है, मैंने उससे पूछा, बाइबल पढ़ता है? हाँ हाँ पढ़ता हूं मामा, एक वचन तो बता दे, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, कुछ और बता, तुमको मिलता नहीं क्योंकि तुम मांगते नहीं, तीसरा बता, मांगो, ढूंढो, खटखटाओ। मैंने कहा तुझे ये सारे मांगने के वचन किससे सिखाएं? बोला है, मां ने सिखाएं। वो बोलती है ये सारे वचन याद कर, ये जीवन भर काम आते। आपने कभी किसके घर में जाके ऐसे पेंटिंग देखी है जिसमें लिखा हो हमारा प्रभु बसम करने वाली आग है? किसके घर में नहीं देखोगे? कभी आपने किसके घर में पेंटिंग देखी है जाके जहां पर लिखा हो जो कोई अपना क्रूस ना उठाए वो मेरा चेला नहीं हो सकता? नहीं नहीं ये पास्टर, ये तो पास्टर के लिए होता है ना, हम हमारे लिए थोड़ी है, हमारे लिए तो यही सारे वचन है, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, आशीष है मेरी, सफरिंग तुम करो। यू नो आज की जनरेशन के अंदर ये बड़ी गंदी और गलत बात है फेवरेट स्क्रिप्चर्स को। इवन मैं आपको बताऊं, जो प्रचारक उनके हिसाब से बात करे वो उनका प्रचारक है। जो कहे वीजा मिल जाएगा, चंगाई मिल जाएगी, ये मिल जाएगी, वो मिल जाएगी, इसको दोबारा बुलाओ, इसको फिर से बुलाओ। एक खड़ूस प्रेमानी को क्यों बुलाया? जब से आया तब से डांट रहा है। पॉल वॉशर ने कहा, एक सच्चा दोस्त वही है जो तुम्हें सत्य बताए, ही इज अ ट्रू फ्रेंड। यीशु हमारा मित्र था इसलिए उसने हमें सत्य बताया, वो सच्चाई बोलता है। लूत को लेके निकला,
बीवी के कहने अब बीवी को झूठ बोलना सिखा रहा है सर। अब जानते हुआ क्या, जब अबीमेलेक को पता चलता है कि ये ऑलरेडी इसकी पत्नी है, वो उसे बुला के कहता है तूने मुझसे क्यों झूठ बोला। तब जानते हो इब्राहिम क्या कहता है, यहां देखिए इंपॉर्टेंट लेसन, जानते हो क्या कहता है, वो कहता है मुझे पता चला है यहां पर ये काम होता है क्योंकि यहां पर परमेश्वर का कोई भय नहीं है। आप जानते हो कभी मत कहा करिए मैं कमजोर हूं मैं इसलिए गिरता हूं, झूठ है। बदर हम बड़े कमजोर हैं, कोई कमजोर नहीं है। द थिंग इज अब परमेश्वर का भय खो चुके हैं। मैं कभी नहीं कहता प्रभु से कि प्रभु मैं कमजोर हूं मैं इसलिए गिरता हूं। ओ प्रभु जब लड़कियां टाइट फिट्स पहन के मेरे सामने जाती हैं उन्हें समझाना कैसे कपड़े पहनती हैं, मेरी आंखें खराब हो रही हैं। तेरी आंखें पहले से ही खराब हैं, बहनों पे दोष लगाना बंद कर दीजिए, गलत कपड़े पहनती हैं। अरे रेप तो उनके भी हो जाते हैं बेचारियों के जो सलवार और कमीज पहन के घूमती है, ये बोलना बंद कर दीजिए मैं कमजोर हूं, ये बोलना स्टार्ट कीजिए आई एम सॉरी बिकॉज आई लॉस योर फियर। मैं कभी भी गुनाह में गिरता हूं मैं प्रभु को कभी नहीं कहता मैं कमजोर हूं मैं इसलिए गिर गया, मेरा प्रार्थना जीवन अच्छा नहीं है, मैं बाइबल नहीं पढ़ पाता, चर्च नहीं। नो 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 सर प्लीज इस सबको गार्बेज समझ के डस्टबिन में डालो, कोई कमजोर नहीं है। सच ये है हम बड़े स्ट्रांग हैं क्योंकि अगर हम कमजोर होते तो हम खुदा के पास जाते, लेकिन हम हमेशा ये सोचते हैं कोई बात नहीं आखिरी बार कर लेता हूं उसके बाद मैं कभी ये पाप नहीं करूंगा। अब मतलब आपको स्वयं पे इतना भरोसा है तो क्या हुए आप मजबूत हुए, कमजोर नहीं है आप। मैंने कुछ बहनों को देखा है आज तक को खबर बात में दो इनको दे दो पहले फैला देंगी, आज तक को मत दो कि हमारा न्यूज चैनल पे ये खबर तो दिखा दो वो उनको लेट हो जाएगा, आप इनको दे दो ये 5 मिनट में फैला देंगी 15 लोगों को बता देंगी और वो 15 लोग सबको बता देंगे। चुगलियां मारने में नंबर वन है कुछ बहन, कोई बात उनके पेट में नहीं टिकती, लोग इनको बिचारों को बिचारियों को विश्वास कर करके बताते हैं। बहन मेरी पर्सनल लाइफ है मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूं, 10 मिनट के बाद अपने बेस्ट फ्रेंड को बताएंगे you know, उसका कॉल आया था मुझे कभी मैंने कभी सोचा नहीं था उसकी लाइफ में ऐसा ऐसा है। क्यों बता रहे हैं आप, क्यों बता रहे हैं आपको डर नहीं है खुदा का? मैं किसी की पर्सनल लाइफ किसी से शेयर नहीं करता, मुझ पर ट्रस्ट रखा गया है। और एक मूर्खता करना बंद करें, जो बात आपके पेट में नहीं टिकी आप किसी और से कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि उसके पेट में टिकेगी? यह सबसे बड़ी बकवास और मूर्खता है, एक बात बोलता हूं किसी को मत बोलना। तू क्यों बोल रहा है फिर, आप क्यों कह रहे हो फिर, आपको पता है चर्च को सबसे ज्यादा डिस्ट्रॉय कौन करता है? जानना चाहते गॉसिपर्स, चर्च को सबसे ज्यादा खराब वो लोग करते हैं जिन्हें बिल्कुल बात करते समय पता नहीं चलता वे क्या बात करते हैं। हैव यू नोटिस्ड परमेश्वर अपने भवन को बनाने के लिए सुलेमान के समय में जिन पत्थरों का इस्तेमाल कर रहा था वो पत्थर मंदिर के पास में नहीं जंगल में तराशे गए थे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने पत्थर तोड़े लेके आए और बिल्कुल मंदिर के पास में उनको तोड़ तोड़ के तराशा गया और फिट किए गए। एक दिन मैं ये वचन पढ़ रहा था बाइबल में जहां पर लिखा था मंदिर के पत्थर जो थे वे जंगल में तराशे जाएं और वहां से तराश के सीधा भवन में लाए जाएं। मैंने प्रभु से कहा प्रभु क्या है ये, प्रभु ने कहा जो लोग जीवित पत्थर हैं मेरे लोग, पत्रस में लिखा है हम उसके जिंदा पत्थर हैं। यू नो जो पत्थर अपने घरों में बैठ के अपनी जिंदगी को जांचते हैं ना आप कलीसिया में उनमें कभी आवाज नहीं देखोगे।
लेकिन जो यहां गड़बड़ियां करे, इसका मतलब है वो व्यक्ति अपने परिवार के अंदर, अपने घर में, अपनी जिंदगी को नहीं जांचता। मुझे वर्शिप करने नहीं दी, मुझे प्रचार करने नहीं दिया, मुझे क्वायर में खड़ा नहीं किया, मैं चर्च छोड़ के जा रहा हूं। कल क्यों जा रहा है, अभी जा। मैं तो चर्च में खड़े होकर यह बोलता हूं, कल क्या क्यों कल वेट कर रहा है तू? कल मैं तुझे हाथ पैर नहीं जोड़ने वाला हूं कि बैठ, आज निकल। मेरे चर्च के अंदर ये है, वो है, वो है, ये है। आप स्पिरिचुअल हो ना, आप संभालो। क्यों कला में पाक कहता है जब हवा ने फल खाया तब नहीं, जब आदम ने फल खाया तब वे नंगे हुए? क्योंकि कला में पाक कहता है जिसे दिया जाता है खुदा उसी से उम्मीद करता है, परमेश्वर उसी से उम्मीद करेगा। आप एक क्रिश्चियन होके नॉन क्रिश्चियन से उम्मीद करते हो वो आपसे अच्छा चलेंगे? रबिश। ओ आपका व्यवहार बुरा है, आप स्पिरिचुअल हो ना, आप संभालो। मैं किसी से नहीं लड़ता, मैं किसी से झगड़ा नहीं करता। खाना दो धन्यवाद, न दो तो भी धन्यवाद। क्यों? मुझे वचन मिला है ना, मैं एडजस्ट करूंगा। आज बहुत सारे जो लोग हैं ना, लोगों से उम्मीद करते, मुझसे अच्छा नहीं चलते, मुझसे अच्छा नहीं चलते। पढ़िए पूरी बाइबल के अंदर, मुझे बताइए यीशु से कौन अच्छा बर्ताव करता था। एक परमेश्वर के जन ने कहा, तुम उस संसार में आदर की भूख रख रहे हो जिस संसार ने तुम्हारे प्रभु को क्रूस पे मारा। माय गॉड, ट्रू, वेरी ट्रू। आपकी मम्मी मुझसे बात नहीं करती, पति घर पे आता है दो सांस की कंप्लेंट्स। आपकी मां ऐसे करती है, आपकी बहन ऐसे करती है, आप समझू हो ना, आप एडजस्ट करो। क्यों घर का माहौल खराब कर रहे हो? व्हेन वी विल बी मैच्योर, हम कब अनुभवी बनेंगे? मैं शिकायतें नहीं देता किसी को। बहुत सारे भाई लोग कहते हैं मार्था कुछ खास कैरेक्टर नहीं है बाइबल के अंदर। अरे जो उसके अंदर बात है ना, वो आजकल की बहनों में भी नहीं है। सब लोग उसके बारे में नेगेटिव प्रचार करते हैं। वो खाना बना रही थी, मरियम बैठी थी। मैं आपको बताना चाहता हूं बहन, उसमें एक ऐसी बात थी जो आप में से भी कुछ बहुत सारी बहनों में नहीं होगी। जब उससे मरियम से शिकायत थी ना, वो अपनी शिकायत सही व्यक्ति के पास ले गई थी, यीशु के पास। वो चर्च के एक परिवार के पास नहीं गई, देखो मेरे साथ क्या कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। आप जानते हो, हमें जब चर्च के किसी व्यक्ति से प्रॉब्लम होती है, पादरी को छोड़ के सारे घर में चले जाएंगे। हिपोक्रिट्स। मैं ऐसे लोगों को ढोंगी कहता हूं जो पास्टर को नहीं बताएंगे, पास्टर जी आप बात कीजिए, मेरे चर्च के अंदर जानते हो एक नियम है, अगर चर्च के किसी भी व्यक्ति से प्रॉब्लम है मुझसे आके बात करो, मुझे अथॉरिटी है ना उसको समझाने की। परिवार के अंदर एक एक के जाके मंडलियां लगा के चलो हम बैठेंगे और पांच मिनट, प्रभु आप महान हैं, आपने कहा दो या तीन आपके नाम में जमा होते हैं, आओ एक गीत गाते हैं। गीत गाने के बाद और बता, मेरी सांस पता नहीं क्या करती रहती है। पांच मिनट प्रभु का नाम, 15 मिनट शैतानी का। कब रिफॉर्म होंगे हम? गॉसिपर्स जो होते हैं ना, चर्च खत्म कर देते हैं। लिखा है सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। जरा सोचिए, आप किसी के लिए बात कर रहे हैं, किसी का नाम बदनाम कर रहे हैं, जब वो व्यक्ति लोगों के बीच में आएगा, सबके पास अब वही नजरिया है जो आपके पास है। वो जैसे आएगा सबके दिमाग उससे ही ऐसे ही चलने वाले, ये ऐसा करता है, ये अच्छी बात नहीं। इब्राहिम अबीमेलेक जब आपस में मिलते हैं, वो उसे कहता है तूने क्यों झूठ बोला इब्राहिम? तब इब्राहिम कहता है, ओ आई लव दीज वर्ड्स, खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूं तूने मुझे सिखाया। यहां पर मैंने देखा परमेश्वर का कोई भय नहीं है, इसलिए मुझे लगा तू मुझे मार डालेगा।
Oh, I love these words. यहां खुदा का कोई खौफ नहीं है. प्रभु मैं दुआ करता हूं इंदौर पे तेरा भय माना जाए. जब लोग यहां पर आपके सिटीज में आए ना, आपके चर्चेस में आए, ये वो फील करने पाए दे आर अ गॉड फियरिंग पीपल. ये खुदा से डरने वाले लोग. क्या आपने एक बात नोटिस की? जीसस ने अनुग्रह के विषय में उन्हें सिखाया जो ऑलरेडी परमेश्वर के भय को समझते थे. Have you noticed? आज हमारे कलीसिया में नया नया व्यक्ति आता है पापों में और डे वन से हम उसको सिखाते हैं प्रभु आपसे प्रेम करता है, जाओ डबल पाप करो, अनुग्रह है आपके ऊपर, ओ जाओ डबल पाप करो. जीसस नेवर यूज दीज टाइप ऑफ टीचिंग्स. उसने उन 12 लोगों को अलग किया जो ऑलरेडी 30 साल तक भय के बारे में सुनते आए थे. उसके बाद वो अनुग्रह के बारे में बताता. और बाइबल बताती है इब्राहिम वहां से निकला और इस बार वो अकेला नहीं निकला, वहां से बहुत सारे दास दासियां गधे घोड़े बहुत सारी चीजें लेके वो निकला और उन्हीं दासियों में एक दासी उसके पास आ गई हाजरा. नया प्रॉब्लम. बोलो बाजू वाले को जब भी दुनिया में जाओगे, बोलो बोलो बाजू वाले को बोलो कुछ ऐसा लाओगे जो गले की हड्डी बनेगा. यू नो जब भी दुनिया में जाओगे ना कुछ ले आओगे वहां, वो हमेशा पालते रहोगे. डू यू नो पैटसंस? पैटसंस के बारे में कुछ जानते हैं आप? पाले हुए पाप, सेटल्ड. इतना झूठ चलता है. You know, settled sins. शांति. अब मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जैसे लोग घर में कैट डॉग पालते हैं ना, वैसे ही उन्होंने कुछ पापों को पाल के रखा है. एक लड़का है एक लड़की है, आपस में प्यार करते हैं, किसी की नहीं सुननी है, व्यभिचार भी करना है, सब कुछ चलता है. पैट सिंस, पाले हुए पाप. इतने नम्र मत बनो दुनिया खा जाएगी. कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, ज्यादा नम्र मत बनो दुनिया. पैट सिंस, पाले हुए पाप. सेटल्ड हो गया है कॉन्शियस, नहीं नहीं इतना चलेगा, चलता है इतना. एक दिन मैं चर्च से निकला, मेरे चर्च के बिल्कुल पास पे थिएटर है, मैं वहां पर खड़ा था, वहां से गुजर रहा था तो मैंने एक विश्वासी भाई को देखा. मैंने उनको इस अवस्था में देखा, वो ये कर रहे थे. कुछ दिनों के बाद वो मुझसे मिले. मैंने कहा आप टोबैको खाते हो? हां सिगरेट छोड़ चुका हूं ना, तो अभी टोबैको चलता है. पैट सिंस, पहले 10 गर्लफ्रेंड रखता था भैया मैं, अभी मैं एक ही रखता हूं. याकूब कहता है ना, तुम जो कहते हो हत्या नहीं करता परंतु व्यभिचार करता हूं, तो तू सब बातों में दोषी है. एक्चुअली जेम्स पैटसंस के बारे में बताता है, पाले हुए पाप. चलता है थोड़ा थोड़ा गुस्सा चलता है ना, है ना? अपनी बेटी को अपनी बेटी समझना पड़ता है. ये तो बाहर से आई है, ये थोड़ी बेटी है, ये तो बहू है, है ना? पैटसंस, पाले हुए पाप. मैं क्यों माफ करूं? मैंने कुछ किया है क्या? वाओ, सेटल हो गए हैं कुछ लोग. आई एम सेटल्ड, चलता है इतना. मैं थोड़ी बैंक रॉबरी कर रहा हूं, मैं थोड़ी रेप कर रहा हूं, मैंने थोड़ी मर्डर किया है किसी से, लेकिन मैं क्या करूं? यू नो बाइबल बताती है हाजरा उसके घर में पलने लगी. पैटसंस. और एक दिन, एक बहुत ही खतरनाक दिन आया जब सारा
इब्राहिम से कहती है, हे इब्राहिम जा, मुझसे तो बच्चा हो नहीं रहा है, हाजरा से कर ले। और कलामे पाक कहता है वो उसकी बात मान लेता है। मेरे भाइयों, खुदा आपको ऐसी बीवियों से बचाए। और मेरी बहनों, जब भी आप अपने पति को कुछ सलाह देते हैं, बड़े ध्यान से दीजिए। हमेशा याद रखिएगा, परमेश्वर ने आदम को इसलिए अदने बाग से बाहर नहीं निकाला क्योंकि उसने फल खाया। इट्स नेवर रिटन इन द होल बाइबल, शो मी। जब परमेश्वर आके उसको जब कहता है, याद रखना, परमेश्वर उसे पूछता है क्या तूने फल खाया, लेकिन परमेश्वर इस कारण उसे नहीं निकालता। खुदा उसके पास आके कहता है, आदम जिस फल को खाने के लिए मैंने मना किया था, क्या तूने वो खाया? बोलता है, यस, इस बहन ने मुझे, इस वाइफ ने मुझे खिलाया। लेकिन जानते हो, जब परमेश्वर उन्हें रास्ता दिखा रहा था बाहर निकलने का, तब परमेश्वर उनको रीजन ये नहीं देता कि तुमने फल खाया। जानते हो खुदा आदम को क्या कहता है? तूने जो अपनी बीवी की सुनी है, इस कारण निकल। प्रभु, क्या पत्नियों की सुनना पाप है? बिल्कुल नहीं। हर उस आवाज को सुनना पाप है जो मेरे वचन के खिलाफ है। बहुत सारे लोग आजकल बहुत गलत सलाहें देते हैं एक दूसरे को। बीवियों की सुनना कोई पाप नहीं है। मेरी बहनों, मैं आपका आदर करता हूं। मैंने कुछ कुछ केसेस में तो यह भी देखा है कि पति को इतनी बुद्धि नहीं है, पत्नी बड़ी बुद्धिमान है। मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं जहां पर पत्नियां बहुत बुद्धिमान है, पति को बिल्कुल बुद्धि नहीं है। मैं आपके खिलाफ नहीं हूं, मैं आपका आदर करता हूं। लेकिन याद रखिएगा, परमेश्वर आदम को जब निकालता है तो उसे एक बात कहता है, तूने जो अपनी पत्नी की सुनी, एक इसका मतलब, क्या तूने मेरे वचन पर ध्यान नहीं दिया? किसकी सुनते हैं आप? कौन आपको शेप दे रहा है? ईशु ने यहूदा इस्करियोती को शैतान नहीं कहा, पर पतरस को क्यों कहा? हे पतरस, दूर हो मुझसे शैतान। क्यों? प्रभु उसने क्या किया? जानते हो खुदा क्या कहता है? क्योंकि तू परमेश्वर की नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पे मन लगाता है। कहां है ऐसी जनरेशन? कहां है बिरिया के लोग, कुरंथियो, फिलिप्पियो, कुलिसियो, इफिसियो, गिलातियो, थिसलोंकियो, सारी पत्रियां पढ़ के देखो, हर एक को लेटर लिखा उसने, लेकिन एक कलीसिया थी बिरिया, पॉल ने कभी उनको लेटर नहीं लिखा। क्यों? आप बिलीव कर सकते हो, एक दिन रविवार को पॉल प्रचार करता होगा, लोगों ने सुना बिरिया के लोगों ने, और उसे कहते, पॉल आप अच्छा प्रचार करते हो, लेकिन याद रखना, हम आपके साथ सहमत हैं कि नहीं हैं, यह हम आपको अगले रविवार बताएंगे। क्यों? यह पूरा हफ्ता क्या करोगे? यह पूरा हफ्ता हम जांचेंगे कि जो आपने सिखाया है वो बाइबल में लिखा है कि नहीं। व्हाट अ पीपल! पवित्र आत्मा उन्हें नोबल कहता है इंग्लिश में। पॉल जान गया इन्हें लेटर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये खुद बड़े बुद्धिमान लोग हैं। कहां है बिरिया के लोग आज? सोचो, आज बाइबल नहीं पढ़ते लोग, उनकी बाइबल धक्के खा रही है घर पे, फ्रिज के ऊपर, कबाट के ऊपर। बहुत लोग, मैं आपको दिखाऊं, बाइबल नहीं पढ़ते। कुछ लोग तो इसलिए नहीं पढ़ते बिकॉज उनको लगता है उन्हें बहुत कुछ पता चल गया है। सर, आप बहुत कुछ जानते होंगे, सब कुछ नहीं। एक पास्टर एक घर में गए, खाना खाया, प्लेट में चम्मच गायब था। जिस घर में उनको बुलाया गया, उस बहन ने अपने पति से शिकायत की, एक चम्मच नहीं मिल रहा। हस्बैंड ने कहा, चुप हो जा, पास्टर थोड़ी लेंगे। बोला, पास्टर नहीं लिया। बोला, जाने दे भी। वे चले गए। अगले साल फिर बुलाया गया खाने पे, तब उस बहन ने उनसे पूछा, पास्टर आपने लास्ट ईयर हमारा चम्मच चुराया था? पास्टर ने कहा, नहीं बहन, मैंने आपका चम्मच नहीं चुराया था,
मैंने आपके चम्मच को आपकी बाइबल में रख दिया था, पूरा साल आपने बाइबल नहीं खोली थी, अगर खोलते तो आपको मिल जाता। मैं जब प्रभु में आया मैं जॉबलेस था, सच बोलने के कारण मेरी नौकरी चली गई थी, मैं एक वाइन शॉप पे काम करता था, लेकिन मेरे बॉस मुझे हमेशा कहते थे झूठ बोल। मैं उनको हमेशा कहता था नहीं मैं झूठ नहीं बोलूंगा बिकॉज आई एम ए क्रिश्चियन, मैं मसीह हूं। एक दिन उन्होंने कहा घर पे जाके बैठो, मैं कहा ओके जाता हूं। मैं घर आया, दो साल मेरे पास काम नहीं था, उन दो सालों में हर एक दिन मैंने 18 घंटे बाइबल पढ़ी, सुबह से लेकर रात तक बाइबल पढ़ता था, मेरे पास समय था। मेरे घर वालों को लगा मेरे ऊपर किसी जादू टोना कर दिया। एक आए थे हमारे घर पे, आते थे वो हमेशा त्योहारों से पहले, और उन्होंने बड़े भाषण दिए मुझे, क्या कर रहा है क्या कर रहा है, छोड़ किताब, ये बोल वो बोल। मैं उनकी किसी बात का आंसर नहीं कर रहा था। बात में उन्होंने कहा बदतमीज बात कर, तुझसे बात कर रहा हूं। मैंने कहा सुनना है? बोला हां। मैंने कहा तू भी प्रभु में आएगा? चले तो पागल है, इज मैड। 3 साल पहले उन्होंने बपतिस्मा लिया, क्या सलाह देते हैं आप, क्या बातचीत करते हैं आप? आपके पति की बहनों के लिए आपके कैसे विचार हैं, उसकी मदर के लिए कैसे विचार हैं आपके अंदर? आप बहनों से पूछना चाहता हूं, यू नो कलाम पाक कहता है उसने अपने घर ले आया और सारा ने उसे कहा उसके साथ सो और बच्चा पैदा कर, खुदा तो देता नहीं है हमें। और इब्राहिम ने सारा की बात मान ली और वहां से इश्माइल पैदा हुआ। एंड यू नो जब इश्माइल लेके वो यहोवा के सामने जाता है, प्रभु परमेश्वर ने साफ कहा ये मेरा नहीं है, मेरी संतान सारा से आएगी। इतनी गलतियां हुई आपको पता है उस समय इब्राहिम की उम्र क्या थी जब ये गलतियां हो रही थी? ही वॉज 87 ईयर्स ओल्ड, वो 87 वर्ष के थे। अब परमेश्वर ने इब्राहिम के लाइफ में एक दंड भेजा, जानते हो वो दंड क्या था? न प्रभु ने इब्राहिम को गरीब किया, न प्रभु ने इब्राहिम को बीमार किया। यू नो द ग्रेटेस्ट पनिशमेंट इज परमेश्वर ने 12 साल उससे बात करना बंद कर दी। आई हैव अ क्वेश्चन, मेरे पास एक सवाल है, लास्ट टाइम When you hear the voice of God, आखिरी बार आपने परमेश्वर की आवाज कब सुनी थी? When you hear the Rhema, कभी आपने ये सवाल पूछा है प्रभु तुम मुझसे बात क्यों नहीं करता? आप जानते हो दुनिया पर वो क्रोधित है पर अपने बच्चों से वो नाराज है। क्रोधित व्यक्ति विपत्तियां दे सकता है पर अपसेट व्यक्ति वो बात करना बंद कर देता है, क्यों? लिखा है पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं लास्ट टाइम आपने कब प्रभु को सुना था, और क्या आप एक दिन भी अगर उसे नहीं सुनते तो क्या आप घुटनों पर आके कहते स्पीक टू मी ओ लॉर्ड, बात कर मुझसे,
तूने खुद कहा है मनुष्य तुझे सुनने के कारण जीवित रहेंगे। उससे बात कर। लॉकडाउन में मैं मिनिस्ट्री में इतना बिजी हो गया था, आप बिलीव कीजिए, मैं बाइबल पढ़ता था ना, मैं बाइबल पढ़ते पढ़ते हर वचन के अंदर ऐसा देखता था, मैं इसमें से ये प्रचार करूंगा, ये प्रचार करूंगा। एक दिन प्रभु ने मुझे कहा, बंद कर ये मिनिस्ट्री, तूने मुझे व्यक्तिगत अपने जीवन के लिए सुनना ही बंद कर दिया है। बहुत लोग हैं जो बाइबल खोलते हैं, बस ये फेसबुक पे डालना है, ये व्हाट्सएप पे डालना है, इसका प्रचार करना है। लास्ट टाइम आपसे परमेश्वर ने आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए कब बात की थी? क्यों बात नहीं करता वो? याद रखिएगा, सबसे बड़ी पनिशमेंट COVID-19 नहीं है, सबसे बड़ी पनिशमेंट गरीबी नहीं है, बीमारियां नहीं है, सबसे बड़ी पनिशमेंट होती है खुदा ने आपसे बात करना बंद कर दिया है। और जानते हो क्यों बंद किया है? क्योंकि पास में उसने आपको कुछ ठीक करने के लिए कहा था जो आपने आज तक नहीं किया है। आपने कठोर किया अपने मन को, इसलिए इब्रानी का लेखक कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने हृदय में डिसाइड मत करो मैं नहीं करूंगा। इसको कहते कठोर मन। हो सकता है आप में से कोई भाई बैठा हो यहां पर जो एक गलत संबंध में हो, लेकिन आज भी आप ये सच्चाई जानने के बाद, ये कि गलत है, उसके बाद भी आप अपने आप में कन्विंस हो, नहीं नहीं मैं नहीं छोड़ सकता। यू नो उसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अपने आप को कठोर करना। मुझे एक दिन प्रभु आप अगर मुझसे बात तक करेगा, मैं अगले दिन फास्टिंग में चला जाता हूं। मैं प्रभु को कहता हूं, मुझे बता मैं कहां गलत हूं। आई प्रॉमिस यू लॉर्ड, मेरे को नाक भी रगड़ना पड़ेगा ना, आई विल डू इट। मेरे को उससे माफी मांगनी पड़ेगी अगर वो मुझसे यंगर है, एल्डर है, आई डोंट केयर। प्रभु मुझे तू चाहिए, आई वॉन्ट यू लॉर्ड। तेरे और मेरे बीच में जो आएगा मैं उसे हटाऊंगा। कब आपने आखिरी बार खुदा को सुना था? क्यों यीशु मुर्दों में से एक बच्ची को जिंदा करने के बाद कहता है इसे कुछ खाने को दो? वो दिखा रहा था एक मतलब है, जो लोग पहले गुनाहों में थे वो उस बच्ची की तरह मरे हुए थे, और यीशु एक दिन हमारे जीवन में आता है और हमें उठा देता है, और उठाने के बाद जीवित रहने का एक ही तरीका है, इसे खाने को दो। परमेश्वर इब्राहिम से बात करना बंद कर देता है। यहां पर बहुत लोग हैं, सालों से आपसे खुदा ने बात नहीं की है, नेवर। जानते हो क्यों बात नहीं की है उसने? बिकॉज आपने अपने प्यूरिफिकेशन पे ध्यान देना बंद कर दिया। यू आर सेटल्ड, संडे संडे चर्च जाना है, प्रार्थना करनी है, रात को नाइट प्रेयर करनी है, टाइप पे करना है, पास्टर जी को गिफ्ट करना है, ओ आई एम ओके। पर कितने लोग हैं जो खुदा के सामने रोते हैं, प्यूरिफाई माय हार्ट। दाऊद जानता था ये हृदय लेके बतिश्बा के साथ जो उसने किया था ये नहीं चलेगा, इसीलिए वो भजन में कहता है मेरे अंदर एक नया दिल पैदा कर, मेरे अंदर एक नया आत्मा उत्पन्न कर। तू हृदय की सच्चाई से खुश होता है, अपने नाम के निमित्त मुझ पे दया कर, अपने मेरे व्यवहार के अनुसार मुझसे मत चल। मुझे बताइए आपने लास्ट टाइम कब खुदा के सामने आंसू बहाए थे कि मुझे इस कठोर मन से छुड़ा जो तेरी बात नहीं मानता। He never spoke to Abraham। सबसे बड़ी पनिशमेंट यही होती है कि आप बाइबल पढ़ो और सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, ये यहां लिखा है, ये यहां लिखा है, ये यहां लिखा है, ये यहां लिखा है। ब्रदर वेयर इज रेवलेशन? कभी आपने सोचा जब नए नियम की किताब में जब प्रभु यहूदियों से मिलता है, उन्हें कहता है तुम्हारे बाप इब्राहिम ने मुझे मेरे दिन को देखा था। कौन सा दिन प्रभु, कौन सा दिन तू बोल रहा है? उसने मेरे दिन को देखा था, ही सॉ माय डे। आप जानते हो एक दिन इब्राहिम
अपने बेटे को जब मारने जा रहा था, प्रभु उसे कहता है इसे छोड़ दे, और वो पीछे देखता है कि एक जानवर, एक मेड़ा वहां पर फंसा हुआ पड़ा था, उसके उसके पूरे जो हॉर्न्स थे वो फंसे हुए पड़े थे। यू नो, ये प्रभु का दिन था। अब्राहम जान गया भविष्य में एक दिन ऐसा आएगा जब मनुष्य छोड़ दिए जाएंगे और परमेश्वर अपने बलिदान को मारेगा। He saw the day of the Lord. कब पाया उसने प्रकाशन? आज्ञा पालन से पहले के बाद में, बाद में। और एक दिन उसके जीवन में वो दिन वापस आता है। परमेश्वर 99 वर्ष की उम्र में इब्राहिम से कहता है, हे इब्राहिम, मैं तेरा वही परमेश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। जानते हो परमेश्वर उसे ये क्यों कहता है? क्योंकि परमेश्वर जानता था इब्राहिम बहुत गलतियां कर चुका था। अब परमेश्वर इब्राहिम को एक नई शुरुआत दे रहा है। जो हो गया सो हो गया, अब एक काम कर, जान समझ मैं उपस्थित हूं और मेरी उपस्थिति में जिंदगी बिता। अब ये मत देख सारा को क्या पसंद है, अब ये मत देख अभिमलिक को क्या पसंद है, अब ये देख मुझे क्या पसंद है, और तू वैसा ही करता जा तो सिद्ध बनता जाएगा। हर निर्णय, हर अपना शब्द, हर अपना विचार, देखने का तरीका, उठना बैठना इस विवेक में करिए कि क्या उसे भाता है, क्या उसे भाता है, क्या उससे अच्छा लग रहा है मेरा बात करना, मेरा सोचना। कलीसिया के लोग भले मुझे धर्मी समझते हैं लेकिन मेरे मन में क्या चलता है वो जानता। Did you living in the presence of Jesus Christ? I preach what I practice. परमेश्वर की उपस्थिति में जीने का अर्थ यह नहीं होता कि आप क्या फील कर रहे हो। परमेश्वर की हुजूरी में जीने का मतलब होता है आप क्या बिलीव करते हो। माई राइटस शल लिव, और इब्राहिम खुदा के साथ चलना सीखता है। एक दिन उसे एक खूबसूरत बेटा पैदा होता है, आइजक। वो अपने बच्चे को पालते पालते उसे बड़ा करता है, और एक दिन खुदा कहता है इब्राहिम से, हे इब्राहिम, उठा इसे, मुराया पर्वत पे जा, इसे होम बलि कर दे, काट के जला दे। मेरी बहनों, एक क्वेश्चन है आपसे, बड़ी नम्रता और आदर के साथ। पच्चीस साल के बाद उसे बच्चा मिला है, जब वो अपने जवान लड़के को उठा के मारने जा रहा था, तो क्या सारा ने उससे पूछा नहीं होगा, तो उसे कहां ले जा रहा है? आप सोचते हो जब इब्राहिम रात को सोता होगा तब वो देखता होगा ये 2-3 दिन ही मेरे साथ है, बस उसके बाद ये चला जाए। मैं बिलीव करता हूं, दिस इज नॉट रिटन इन बाइबल बट आई बिलीव विथ ऑल माई हार्ट, मैं बिलीव करता हूं उस पे कि जब सारा ने उससे पूछा होगा तू उसे कहां ले जा रहा है, तब उसने कहा होगा ये जिसका है मैं उसे देने जा रहा हूं। आई फील द पेन ऑफ फादर। आपका बच्चा बीमार पड़ता है, आपकी हालत क्या होती है, और क्या आपको लगता है सारा ने बोला होगा ओके लेट इट बी, ठीक है जा, उसे जरूर रोका गया होगा, लेकिन क्या कहा होगा इब्राहिम ने, हे सारा, बहुत साल पहले मैंने एक गलती की थी, मैंने तेरी बात मानी थी और खुदावन ने मुझसे 12 साल बात नहीं की थी, अब मैं ये दोबारा नहीं करूंगा। इब्राहिम खुदा की हुजूरी में एक लेसन सीख गया था,
कि जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण बात है उसके कलाम को आदर देना, उसके वचन का ऑनर करना, उसकी लिखी हुई बात का आदर करना। कोई YouTube नहीं था उसके पास, कोई पास्टर नहीं था, कोई प्रचारक नहीं था उसके पास, तो पवित्र आत्मा और ऐसी संगतियां नहीं थी उसके पास, मात्र एक ही बात थी, परमेश्वर का वचन। हमारे खुदा के पास क्या था? मात्र वचन। और उसने अपनी वाइफ को बोला होगा, बस अब मैं तेरी बात नहीं मान सकता, ओ प्रभु मैं दुआ करता हूं अब इस तरह का सिद्ध और अनुभवी बना। और जब वो ऊपर लेके जा रहा था अपने बच्चे को मारने के लिए, वो अपने सेवकों से कहता है तुम यहीं ठहरो, हम लौट आएंगे। और जैसे वो ऊपर जाता है अपने बच्चे को मारने के लिए, ओ वही खुदा उसे कहता है, इब्राहिम उसे छूना मत, मैं जान गया हूं, मैंने पहचान लिया है तू मेरा भय मानता है। पहले खुदा कहता है, हे इब्राहिम अपने बेटे को ले, इकलौते बेटे को जिससे तू प्रेम करता है उसे मार, चार लाइंस। अपने बेटे को, इकलौते बेटे को जिससे तू बहुत प्रेम करता है उसे मार, खुदा ये चार लाइंस कहता है। और जब इब्राहिम उसे मारने के लिए जा रहा था तब परमेश्वर कहता है, हे इब्राहिम अपने बेटे, इकलौते बेटे को मत मार। सेकेंड टाइम प्रभु ने एक बात निकाल दी, क्योंकि प्रभु जान गया इब्राहिम मुझसे प्रेम करता है, He loves me। Oh Jesus, I praise you, I worship you। इब्राहिम सीख गया, वो लेसन सीख गया। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यू नो आई एम सो बोल्ड, सो करेजस, बिकॉज आई ऑनर द प्रेजेंस ऑफ गॉड मोर देन द प्रेजेंस ऑफ पीपल। मैं अपने जीवन में पूरी कोशिश करता हूं कि मैं लोगों की उपस्थिति से अधिक परमेश्वर की उपस्थिति को आदर दूं। लर्न दिस मेरी जवान बहनों, लर्न करो मेरे जवान भाइयों, ये लर्न करो, अन्यथा एंगेजमेंट के नाम पर भी शैतान आपसे व्यभिचार करवा देगा कि तू एंगेज्ड है, शादी होने वाली है तेरी इसी के साथ, ओ डू व्हाट एवर यू लाइक, चलता है सब। नो सर, आई ऑनर माय गॉड मोर देन यू। मैं अपने परमेश्वर का तुझसे ज्यादा आदर करती हूं, तू मेरे बाद में है, मेरा पहला पति ये है। आज मैं सिर्फ एक चीज आपसे पूछ के मैं इसे पूर्ण करना चाहता हूं। डिड यू ऑनर द प्रेजेंस ऑफ गॉड? मैंने आज से बहुत साल पहले 17वीं सदी का एक किताब पढ़ा था। मैं ऑनेस्टली कहता हूं आजकल जो बुक्स लिखे जाते हैं मैं बहुत कम पढ़ता हूं। 7 स्टेप अमीर होने के, 6 स्टेप्स आगे बढ़ने के, मुझे ये सब समझ में नहीं आते। मैं उन लोगों के बारे में पढ़ने की कोशिश करता हूं जो मुझसे पहले हुए थे, जो खुदा के साथ चलते थे। मैंने किताब पढ़ी, उस किताब को पढ़ने के बाद मैंने उस किताब को आधे में बंद करके उसके ऊपर से हाथ रखा। मैंने कहा, प्रभु जिस भाई के पास है ना वो मुझे भी चाहिए, प्लीज मुझे ही चाहिए। यू नो मैंने उस किताब पे क्या पढ़ा? एक वेटर था, लोगों के झूठे बर्तनों को उठा के सिंक में धोने की ड्यूटी थी उसकी, पर वो परमेश्वर का भय मानता था। जब भी वो चर्च जाता था और जब होली कम्युनियन होती थी, लास्ट सपर होता था, बड़े आदर के साथ प्रभु के भय में
वो उस रोटी को लेता था और उस किताब में उसके नीचे लिखा था, जो विवेक जो भय वो प्रभु बोझ लेते समय रखता था, वैसा ही विवेक वैसा ही खौफ वो उस सिंक में खड़े होके भी रखता था जब वो बर्तन धोता था। जब वो देखता था थोड़ी सब्जी लगी हुई है तो वो उसे बड़ी ऑनेस्टी के साथ निकालता था, क्योंकि वो जानता था खुदा यही है, उसे ये पसंद नहीं है। जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, जब मैंने उसकी बातें पढ़ी, मैंने कहा प्रभु मैं बहुत अलग हूं, प्रभु मैं कलीसिया में बहुत नम्र हूं प्रभु, लेकिन मैं परिवार के साथ नहीं हूं। मैं कलीसिया के अंदर लोगों को पास्टर जी कहता हूं, लेकिन मैं अपने घर पे किसी को जी नहीं बोलता प्रभु। कई बार लोग मुझे धर्मी समझते हैं, लेकिन मेरी नजर कुछ बहनों पे अच्छी भी नहीं है प्रभु। यू नो, मैंने प्रभु से आज से बहुत साल पहले, जब मैं सेवा भी नहीं करता था, मैंने प्रभु से कहा मुझे इसके जैसा विवेक चाहिए, मुझे ऐसा खौफ चाहिए। मैं मात्र कलीसिया में डिसिप्लिन में न जी हूं, लेकिन यहां से मेरी रियल लाइफ इस दरवाजे के बाहर है। जब मैं यहां से गुजरूं तो मैं जानूं कि प्रभु अब सेवकाई शुरू होती है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, स्टॉप एक्टिंग, स्टॉप प्रिटेंडिंग, डोंट गिव देम फॉल्स इंप्रेशंस। लोगों को फॉल्स इंप्रेशन देना बंद कर दें। याद रखिएगा, प्रभु की कलीसिया में पहली मौत फॉल्स इंप्रेशन देने के कारण हुई थी, जब हनन्याह और सफीरा ने अपनी आदि भूमि उनको दे दी। क्या किया उन्होंने, कौन सा गुनाह किया? पतरस कहता है तुमने झूठ बोला। अरे मुंह तक नहीं खोला था उन्होंने, झूठ कैसे बोला? फॉल्स इंप्रेशन। कई बार आप लोगों के सामने बड़ी सादगी में आते हैं, लेकिन आप अच्छे से जानते हैं आपके मोबाइल में क्या पड़ा है, आप अच्छे से जानते हैं आपके घर में व्यवहार कैसा है आपका। यू आर ऑनरिंग द प्रेजेंस ऑफ पीपल मोर देन प्रेजेंस ऑफ गॉड। मैंने बहुतों को देखा, आई नो दीज हिपोक्रिट्स। ओ घर के अंदर इनकी गवाहियां बड़ी खराब है, लेकिन चर्च के अंदर सब स्वर्गदूत कहते हैं कुछ लोगों को। डू यू नो व्हाई? बिकॉज यू ऑनर द प्रेजेंस ऑफ पीपल मोर देन प्रेजेंस ऑफ गॉड। आपको बड़ी फिक्र होती है चर्च में मेरा नाम नहीं खराब होना चाहिए, और बाहर चलता है। ऑनर गॉड, परमेश्वर को आदर देना सीखे। ऑनर जीसस। पहला कुरिन्थियों 15:3 में लिखा है, बाइबल न खोले, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं। पवित्र शास्त्र के अनुसार प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जीवित हुए। और इसी 2 कुरिन्थियों 5:15 में लिखा है, वह इसलिए मरा ताकि हम उसके लिए जिए। डोंट लिसन हाफ गॉस्पल, ऑनर द प्रेजेंस ऑफ गॉड। साधु सुंदर सिंह ने कहा, जब तक जिंदा हो अपना क्रूस उठा के चलो, क्योंकि यह मौका तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। हम क्रॉस को बियर करते हैं, वो क्रॉस को एंजॉय करता था। क्रॉस पहनने से आप मसीह नहीं बनते, क्रूस उठाने से आप मसीह बनते हो।
ऑनर द प्रेजेंस ऑफ जीसस। यहां देखिए, मेरी बाइबल में पुराने नियम की अंतिम किताब मलाकी है, द बुक ऑफ मलाकाई। इस बाइबल की इस अंतिम किताब पुराने नियम की एक सवाल पे खत्म होती है, अगर आप चाहें अब घर जाके पढ़ना, वहां लिखा है पुत्र पिता का आदर करता है, दास स्वामी का आदर करता है, अगर मैं परमेश्वर हूं तो मेरा आदर कहां है। वो कहता है, इफ आई एम योर गॉड वेयर इज माय ऑनर। मेरी दुआ है कि आप इस ग्लोरियस गॉस्पल में एंटर हो जिसमें परमेश्वर के आदर के लिए जिंदगी जी जाती है। जब भी कुछ करते हैं ये देखिए क्या उसे पसंद है। जो कपड़े आप पहनते हैं, चाहे आप भाई हैं चाहे आप बहने हैं, उसे पसंद है। मैं कभी किसी को कोई नियम नहीं देता, ये मत करो वो मत करो। मैं नियम देना चालू करूंगा ना आप फड़प हो जाओगे मुझसे। मैं हमेशा लोगों से कहता हूं सिर्फ एक काम करो, तुम्हारे 100 सवालों का एक जवाब है। ये मत करो वो मत करो, मेरे पास कोई लिस्ट नहीं है। जस्ट एक बात सोचो, क्या उसे पसंद है। योर लाइफ विल बी चेंज, आपका जीवन बदल जाएगा। सिर्फ एक लाइन यहां से लेके जाओ, छोड़ो मेरा पूरा प्रचार, वॉश आउट हो जाए बोले चलेगा मुझे, सब भूल जाओ, चलो छोड़ो जो भी मैंने प्रचार किया। एक लाइन यहां से ले जाओ, क्या उसे यह पसंद है। उसे पसंद नहीं है लेकिन मेरे को पसंद है, नहीं करना है। इसी को कहते हैं क्रूस उठाना।